सब्सक्राइब करो स्मार्ट एक्सपर्ट को और बेल आइकन को दबाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीटर ऑनलाइन बन सकें। तो दोस्तों, अभी हमें भिलाई स्टील प्लांट, जो इंडिया का सबसे बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है, जो जितनी भी इंडिया के अंदर स्टील यूज होती है, बनती है, वो सब जो यहीं से आती है। दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? जो छत्तीसगढ़ इंडिया की स्टेट है, छत्तीसगढ़ रायपुर, उसके जो दुर्ग स्टेशन, अगर आपको यहाँ पर आना होगा तो दुर्ग स्टेशन आना होगा। दुर्ग स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और हम अभी हैं इंडी जो भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट है उस पर खड़े हुए हैं। ये हमें स्टील जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ का, उसके पास ही हैं। तो ये भैया आए, ये भैया उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो भैया बताना, ये भिलाई का सबसे लॉन्गेस्ट रेल, लाउडली बोलो थोड़ा। अच्छा, ये माइक तो यहीं पे है। भिलाई का सबसे लॉन्गेस्ट रेल बनाने वाली प्लांट यही है छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है इसका, और ये बना था 1959 से है। और ये URM जो यूनिवर्सल रेल मिल करके नाम से जाना जाता है, हर यहाँ से लेकर हर दुनिया में जानी जाती है, ये यहीं कही है। और जो यहाँ पर दो प्लांट है, एक विशाखापट्टनम में, एक ये है। और यहाँ पर अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा यही है भिलाई स्टील प्लांट सबसे बड़ा। हाँ, उसके बाद आता है विशाखापट्टनम वाला, पार्ट टू उसका वो है। और यहाँ पर जो है एंट्री करने के लिए आपको पहले अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब लगता है, मगर आपके अंदर में कोई पहचान हो तो ही आप अंदर अलाउ कर सकते हैं। और जो इसमें वर्कर है अंदर, उससे कोई रिलेशन हो जब भी अंदर एंटर होगा ना, वो भी एक वो अपर लेवल पोजीशन वाला ही हो तो ही जा सकता है, बाकी ऐसे नॉर्मल आदमी इंसान अंदर मिलने नहीं जा सकता। बस एक ही दिन मिलना है। अगर उसकी लोअर पोजीशन हो तो अंदर अलाउ नहीं है? अंदर अलाउ, अपर लेवल मीडियम नहीं, सबसे लोअर पोजीशन भी रहेगी तो वो अपना क्या बोलते हैं, वो कौन सा फेस्टिवल आता है ना, विश्वकर्मा पूजा के दिन, उस दिन अलाउ रहता है, हर कोई भी आके अंदर पूरा उसको ट्रैवल करके देख सकता है, विजिट कर सकता है। हाँ, विजिट करके देख सकता है। तो भैया, इसमें आने के लिए पहले तो छत्तीसगढ़ जो दुर्ग स्टेशन है, हाँ, वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ, हाँ, से ये कितनी दूर है? वहाँ से ये 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर है, हाँ। ये कितने एकड़ में बना हुआ है? ये तो कई एकड़ों में, गिनती नहीं है इसका, बहुत बड़ा है। मतलब बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो इंडिया का जितनी भी इंडिया के अंदर स्टील यूज होती है वो यहीं से इस्पात होती है। हाँ, यहीं से इस्पात। और इसमें और क्या कैसे सिस्टम है इसका? इसमें तो कोल मिल है। कोल मिल भी है? हाँ, कोल मिल है भैया। इसमें जाने के लिए तो बहुत डेंजर तरीके से जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर ताजमहल है, उसमें भी इतनी कड़ाई नहीं है, इसमें बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके अंदर, यहाँ से प्लांट के अंदर एंट्री करने से पहले CSF वाले आपको पूरी चेकअप किया जाएगा, पूरा शरीर, बॉडी चेकअप नहीं होता है। तो एंट्री करने से पहले आपका अगर जो चीज़ भी व्हीकल में जा रहे हो तो व्हीकल की पूरी आपको उसमें किया जाएगा, और जब आउट से वहाँ से जब चेकआउट करोगे तो चेकआउट करते समय भी पूरे आपके व्हीकल की पूरा ये किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बाहर भेजा जाता है। तो इसमें कुछ गुप्तनी चीज़ें हैं, वो हर किसी को अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, जो इतने सारे आइटम्स हैं, कोई भी कहीं से कुछ उठा के ले गया तो वो कई करोड़ों के माल अंदर रखे हुए हैं, तो उसको कोई भी अगर जेब में भी डाल के चल दिया, बाहर ले जाके बेच दिया, तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? इस वजह से ये इतना सिक्योर करते हैं। ये इसमें ऐसे कई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मशीनें हैं, तो इसे वही तो है इसमें, जैसे कोई विस्फोट ना कर दे, इस वजह से भी नहीं जाने देते अंदर। वही है डायरेक्ट, उसी वो मेन मैटर वही हो गया ना, कि आप कुछ भी लेके अंदर अलाउ हो नहीं सकते हो, जब तक आपके अंदर, जब आपके अंदर कोई पहचान वाला बंदा हो तो ही आप एंट्री करोगे, नहीं तो बाहर कोई आके एंट्री ले नहीं सकता। अगर आप जब ऊपर वाला GM लेवल के बंदे आपको, हाँ, ये आदमी आने के लायक है तो ही दिया जाता है, बाकी और किसी को अलाउ आएगा। जब वो पता पड़ जाए, आप विजिट करना चाहते हो तो फिर वहाँ से जनसंपर्क केंद्र है, वहाँ गेट पास बनवाना पड़ेगा? नहीं, वो GM आपको वहाँ से मेल करेगा, यहाँ पर पास सेक्शन करके है वो एरिया है। हाँ, जनसंपर्क पार्क। हाँ, वहाँ जाएंगे आपको तो वो उनका मेल चेक किया जाएगा किसके नाम से आया है। हाँ। फिर आप किस बेस पे जा रहे हो, कहाँ क्या चीज़ विजिट करने जा रहे हो, वो चीज़ का प्रॉपरली उनको पता होगा तो वो उस चीज़ का वहाँ पर देंगे कि ये बंदा इस चीज़ के लिए आ रहा है, ये चीज़ विजिट करने के लिए आ रहा है, तो वो वहाँ देंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री करने के लिए वो गेट पास वो बना के देगा, वो भी कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम ये दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 hours का रहता है, 4 घंटे का। हाँ, 4 to 5 hours, 4 घंटे के अंदर पूरा विजिट करके वापस रिटर्न करना है। हाँ, बाहर एग्जिट करना है आपको, एग्जिट किसी भी हाल में बाहर एग्जिट करना है।
और एग्जिट करने के बाद वो जो आपको दिया जाएगा पास, वो पास को वापस आपको CSF वाले को हैंड ओवर करना है। हाँ, तो आपको वो यहाँ पहले जाने से पहले आपको यहाँ एंट्री कराएगा, पास का पूरा वो टोटल डिटेल्स अपने उसमें लिखेगा अपने डायरी पे, उसके बाद आपका नंबर वगैरह सब डिटेल लिखवा जाएगा, डिटेल लेते हैं फुल इन्फॉर्मेशन, डिटेल A to Z डिटेल जाएगा, उसके बाद ही आपको बाहर एग्जिट होने के लिए मिलेगा। थैंक यू भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका भी। तो दोस्तों ये भिलाई स्टील प्लांट है, काफ़ी बड़ा स्टील प्लांट है, इसके अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि जिसके पास गेट पास होता है वही अलाउड है, और गेट पास जब मिलेगा जब आपका इसमें कोई कर्मचारी या कोई वर्कर आपके रिलेशन में हो तब जब ही मिलता है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, यहाँ पर जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन के जो पटरी होती है उनके सामान, जो भी ट्रेन के अंदर जो भी सामान बनता है वो सब यहाँ से प्रोड्यूस कराया जाता है। और ये देख सकते हो आप सामने कितना बड़ा प्लास्टिक प्लांट है, ये तालाब है इसके बीच में ही, इसमें अंदर अलाउड नहीं है जाने के लिए, पूरा प्लास्टिक प्लांट यहाँ से दिख रहा है आपको देख सकते हो। और अभी बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट दुनिया का वर्ल्ड में ये सबसे टॉपेस्ट पे है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन की जो भी पटरी होती है उनके गार्डर होते हैं वो भी बनाए जाते हैं यहाँ पे, और जितने भी स्टील प्लांट के सामान हैं वो सभी यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं पूरी इंडिया में। और ये छत्तीसगढ़ में है, जो भिलाई है उसके पास में है, देख सकते हो कितना बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है, ये पूरा वहाँ से वहाँ तक है, और ये आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है ये, आप देख सकते हो पूरा।